नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्यटक कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल जो कि गिरिडीह जिले में है, पारसनाथ पहाड़, उनको लेकर के जो है झारखंड सरकार की ओर से पर्यटक स्थल की घोषणा की जा चुकी है। और इसी के लेकर के जो है जैन समुदाय में काफ़ी रोष है, क्योंकि पूरे विश्व में जो है पारसनाथ का इतना एक अहम स्थान है, और इस अहम स्थान के कारण कह सकते हैं कि वह पूरे जैन समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे हैं जैन धर्म के जो कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं सीधे कि आखिर जो झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल बनाया है तो उनका समाज के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैडम अपना नाम। मेरा नाम मृदुला जैन है। ये बताइए कि पर्यटक स्थल जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है, इस पर क्या विरोध है और क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? अरे, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है, ये हमारा पवित्र स्थान है और हमारी सिद्ध भूमि है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मुनि मोक्ष गए हैं। आप वहाँ देखते होंगे सारे मंदिर जो हैं सारे जैनियों के हैं, तो ये पर्यटक स्थल कैसे बन सकता है? ये तो एक सिद्ध भूमि है, तो वहाँ पर ये सब क्यों होना? सरकार की ओर से कहा जा रहा है ना कि पर्यटक स्थल जो है इससे कि मतलब जो है बेहतरीन रूप से बढ़ावा मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, तो क्या लगता है कि सरकार पर आप लोग को भरोसा नहीं है? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार पर हमें पूर्ण विश्वास है और भरोसा है, परंतु जहां तीर्थ स्थल के स्थान पर पर्यटक शब्द लग गया तो इसका मतलब कि वहां पर मांसाहार का प्रयोग होगा, मांस बिकेंगे खुले तौर पर, दारू की बिक्री होगी खुले तौर पर। तो क्या जिस धर्म जिस जगह पर हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कितने करोड़ों करोड़ साधु वहां से मोक्ष गए हैं, उस स्थल को हम लोग अपने माता पिता से भी बढ़कर के मानते हैं, तो क्या वहां पर ये सब होने देंगे? ये आपको अच्छा लगता है? चाहे कितने भी राजस्व आए, कितने भी बढ़ोतरी हो, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसे सरकार को पवित्र स्थल घोषित कर दें और विकास करें तो उसमें कोई हमें बुराई नहीं है, लेकिन ये स्थान को पवित्र स्थल ही रहने दें पर्यटन की जगह। तो ये बताइए कि सरकार की ओर से जो कहा गया है, तो अभी तक तो सिर्फ पर्यटक स्थल घोषणा की गई है, तो क्या लगता है कि वहाँ पर जो भी पर्यटक के जो मापदंड है उनको अपनाया जाएगा? इसी से आप लोगों को दिक्कत? हाँ, उसी से हम लोग को दिक्कत है ना, क्योंकि अभी वहाँ ऐसे हम लोग को लग रहा है कि वहाँ सब पर्यटक लोग आ रहे हैं और सब इस तरह का हो रहा है। जहाँ हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं वहाँ पे भी काफ़ी इस तरह का सब देखा गया है, इसीलिए ये सब चीज़ हो रहा है। ये बताइए कि वो जो पारसनाथ पहाड़ है, वो 23 जो तीर्थंकर हैं उनके लिए वो मोक्ष है, इस जैन धर्म में वो पहाड़ का कितना महत्व है, क्या आप बताना चाहें? जैन धर्म में तो ये जैन धर्म में आपने अभी कहा कि हमारे 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कितने करोड़ों करोड़ साधु और मुनि हमारे वहां से मोक्ष गए हैं, वो हमारे लिए अभी हमने आपको कहा कि हमारे माता पिता से भी बढ़कर है, इसलिए उसकी बहुत ही महत्ता हमारे जैन धर्म में। पूरे विश्व में सबसे बड़ा तीर्थस्थल कोई है अगर हमारा, तो ये झारखंड का सम्मेत शिखर जी है। आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार की ओर से, क्या वो जो पर्यटक स्थल का घोषणा किया क्या वापस ले? देखिए, हमें आप पहले भी हमने कहा और फिर मैं कह रहा हूँ, सरकार उसकी विकास करे, परंतु हमें सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, पवित्र स्थल उसे घोषित करे और वहाँ किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन ना हो, दारू की बिक्री ना, दारू नहीं हो किसी भी तरह के, इस तरह से जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ऐसे कोई भी कार्य की रणनीति हमारे समाज के द्वारा फिर तय की जाएगी, जैसा कि आगे चल रहा है। ये कल हमारी रैली है 9:30 बजे से, मौन रैली, उस समय हम लोग अपने मौन रैली के माध्यम से जाएंगे राजभवन। तो जैसा कि समाज के लोगों ने कहा कि जैन धर्म के 20 तीर्थंकर जो है उस पहाड़ पर जो है मोक्ष प्राप्त किए हैं, और जैन समुदाय के लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, और इस पवित्र स्थल को जब सरकार के द्वारा जब पर्यटक स्थल बनाया जाएगा तो वहां पर जो है धार्मिक जो है अनुष्ठान में दिक्कत होगी, और धर्म का जो सबसे जो मूल बिंदु है उससे जो है वहां पर जो अपवित्रता आएगी, जिसके कारण से जैन समुदाय में जो है रोष का माहौल है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का से हमको कोई विरोध नहीं है, हम लोगों का इतना कहना है कि वहाँ पर धार्मिक मान्यता है, इसलिए उनको जो है आस्था पर चोट रहने के कारण जो है उनको फैसला को वो वापस लें।